आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में लिमटी की लालटेन आप देख रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 647वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा इस बात पर हम करते हैं कि क्या चुनाव आचार संहिता प्रभावी करने से ही हो सकता है चुनाव सुधार, या उठाने होंगे कुछ कठोर और अप्रिय कदम, सख्त कानूनी प्रावधान रोक नहीं पाए अपराधों को, तो चुनाव में धांधलियों को कैसे रोका जा सकता है सिर्फ चुनाव आचार संहिता के भरोसे। लिमटी की लालटेन के 647वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में आम चुनाव चल रहे हैं, इस समय आचार संहिता उल्लंघन की खबरें मीडिया अटा पड़ा है। कमोबेश हर संसदीय क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें आम हुआ करती, कुछ मामलों पर कार्रवाई की जाती है। ये आम धारणा बन चुकी है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें लगातार ही की जाएं, ताकि प्रत्याशी अगर पराजित होता है और अगर वो इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय में जाएगा तो उसके लिए शिकायतें जो शिकायत की जाती है उसकी पावती रिसीविंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साबित हो सकती है। देश में चुनाव के दौरान की गई आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की अगर बात की जाए तो कब कब आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाइयों का विवरण मिलता है। जाहिर है इस तरह के उदाहरण नगण्य के बराबर ही माने जा सकते हैं। हाल ही में चल रहे आम चुनाव में रोज किसी न किसी नेता के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आती हैं। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं। इन शिकायतों की अद्यतन स्थिति एज एन डेट क्या है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें चुनाव आयोग से किए जाने के 8-10 दिन बाद भी नतीजा क्या है, फिर वही सिफर ही माना जा सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सोशल मीडिया पर लोग KCHUA केंद्रीय चुनाव आयोग भी निरूपित करते हैं, के पास कमोबेश हर चुनाव में प्रधानमंत्री हो या सत्ताधारी दल के बड़े नेता या विपक्ष के नेता, हर किसी के बारे में शिकायतें मिला करती हैं। इन शिकायतों पर केचुआ की चुप्पी भी सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक मानी जा सकती है। जानकारों का कहना है कि जब भी किसी दल के स्टार प्रचारक के द्वारा जहर उगलते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, तब चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस भेजा जाता, उस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इसका जवाब आते आते चुनाव संपन्न हो जाते हैं और उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते के हवाले ही कर दिया जाता है। वर्तमान हालातों में प्रधानमंत्री के मामले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस के मामले में कांग्रेस के अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस के द्वारा तो इसका जवाब दे दिया गया है, पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। जानकार ये भी बताते हैं कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई किस पर की जा सकती, ये बात भी जानकारों के द्वारा बताया गया। आचार संहिता उल्लंघन पर अथवा दल के अध्यक्ष पर किस पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसने आचार संहिता का उल्लंघन किया उस पर, या फिर पार्टी के अध्यक्ष पर। जानकारों के द्वारा इस बात के संकेत भी दिए गए कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर शिकायत सही मिलती है तो संभवतः पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर शिकायत सही मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP Nadda को 24 या 48 घंटे के लिए भाषण देने से रोका जा सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि चुनाव आयोग के को अधिकार संपन्न ही नहीं बनाया गया है। संभवतः यही कारण है कि प्रत्याशियों या सियासी दलों के द्वारा आचार संहिता का पालन करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली जाती है। चुनाव आयोग के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट देश की शीर्ष अदालत में 14 सितंबर 2022 को कहा गया था कि फिलहाल हेट स्पीच के संबंधित देश में कोई स्पष्ट या सीधा कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों को रोकने के लिए आदेश पारित करना चाहिए। आयोग ने देश की सर्वोच्च अदालत को ये भी बताया था कि असल में चुनावी मैदान में उतरे किसी भी उम्मीदवार को उस समय तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि हेट स्पीच को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कानून ना हो। इस मामले में ला कमीशन द्वारा दी गई 267वीं रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हेट स्पीच को लेकर जरूरी संशोधन की आवश्यकता है। इस तरह के हालातों में एक प्रश्न यही खड़ा दिखता है कि आचार संहिता क्या महज औपचारिकता के लिए ही? जब आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें आम हैं, आचार संहिता का उल्लंघन सरेआम होता है और जब चुनाव आयोग को दाखिल किए जाने वाली जानकारियों में सब कुछ नियमानुसार ही होता है, तब इसे क्या माना जाए? क्या शिकायतें फर्जी की जाती हैं? क्या शिकायतें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की जाती हैं? क्या प्रमाण भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दिए जाते हैं? चुनाव आयोग के नियम कायदों की परवाह किसे नजर आती है, ये भी एक प्रश्न है। आदर्श आचरण संहिता के तहत कहा जाता है कि उम्मीदवार 3 से अधिक वाहन लेकर नामांकन दाखिल करने नहीं जाएंगे, पर वास्तविकता में होता क्या है, वास्तव में होता क्या है, कितने वाहनों का काफिला होता है उम्मीदवार के नामांकन के वक्त, देखा जाए तो एक तरह का इसे शक्ति प्रदर्शन ही माना जा सकता है। वास्तव में इस तरह अगर हम इन चीजों को देखें तो इसी तरह दूसरा अगर हम पहलू देखें तो लोकसभा निर्वाचन में 95 लाख रुपए की खर्च करने की समय सीमा तय की गई है। उम्मीदवार को द्वारा हर दिन खर्च का ब्यौरा रखा जाता है, उम्मीदवार रखते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव आयोग को देना होता है, और कई बार प्रत्याशियों द्वारा 95 लाख की तय सीमा के बावजूद 10 लाख रुपए में ही चुनाव लड़ना बता दिया जाता है। क्या यह सही होता है? जाहिर है ये सब कुछ महज खाना पूर्ति के लिए ही होता है। चुनाव आयोग के द्वारा ये देखा भी जाता होगा शायद कि चुनावों के दौरान पैसा जिस तरह पानी के मानिंद बहाया जाता है उसे क्या कहा जाएगा। क्या इस तरह 10-5 लाख खर्च किए जाने का ब्यौरा कागजों पर देकर चुनाव में करोड़ों फूकने पर कोई नजर रख रहा है? इस दौरान वे पर्यवेक्षक भी हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में होते हैं, वे आखिर क्या देखते हैं? चुनाव के दौरान आचार संहिता का विकल्प क्या हो जिससे इन सब पर प्रतिबंध लग सके, सोचने की महती जरूरत है। इसके लिए मार्ग प्रशस्त करने होंगे। देश को, प्रदेश को, समाज को, हर जगह को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने की दिशा में प्रयास करने की आज जरूरत महसूस होने लगी है। अगर सब कुछ सीमाओं में बांध दिया जाए, सारी वर्जनाएं खड़ी की खड़ी रह जाए, तो अच्छे और ईमानदार लोगों की तादाद राजनीति में बढ़ सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब देश को, संविधान को, कानून को, नैतिकता को, चरित्र को ही सर्वोपरि मानने वाले सामने आएंगे, इसको ही सबको सर्वोपरि मान लिया जाएगा, तब देश में आचार संहिता की आवश्यकता शायद नहीं पड़े। कहा जाता है कि सख्त कानून भी अपराधों की रोकथाम के लिए सक्षम नहीं है। अरब देशों में जहाँ कानून सख्त हैं वहाँ भी अपराध होते हैं। ये अलहदा बात है कि अन्य देशों के मुकाबले वहाँ अपराध, चूँकि इस कानून बहुत सख्त है, कानून का पालन सख्ती से होता है, इसलिए अपराधों की तादाद कम है। इसके लिए इस सब के लिए देश में चुनाव सुधार पर देशव्यापी बहस होने की जरूरत है, ताकि चुनाव के दौरान लाखों करोड़ों फूकने मतदाताओं को अपने पक्ष में कर अपने पक्ष में माहौल आदि बनाने के लिए जहर उगलने वाली जबानों पर लगाम लगाने के मार्ग प्रशस्त हो सके।
इसके लिए सभी को तैयार रहना होगा, देशव्यापी बहस की जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 647वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें देखनी हो तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 648वें एपिसोड को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।